हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के आतंकी संगठन हुती पर कई हवाई हमले किए थे। ये हमले यमन के भीतर घुसकर ड्रोन के जरिए किए गए थे। अमेरिका ने दावा किया था कि इन हमलों में हुती को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी लाल सागर, अरब सागर और एडन की खाड़ी में हुती लगातार पश्चिमी देशों के मालवाहक जहाजों पर हमले कर रहा है। हाल ही में हुती ने लाल सागर में ब्रिटेन के रूबीमार मालवाहक जहाज पर हमला करके उसे समुद्र में डुबो दिया था, और इन हमलों को देखकर ऐसा लगता है कि अमेरिका हुती के सामने पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है, और हुती बार बार अमेरिका को सीधे जंग के लिए ललकार रहा है। और अब इसी कड़ी में हुती ने अमेरिका के मालवाहक जहाज एमवी ट्रू कॉन्फिडेंस पर एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। यह हमला एडन की खाड़ी में हुआ है। आपको बता दें कि हुती के हमले के बाद जहाज में आग लग गई थी, जिसमें 3 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है, जबकि 4 क्रू मेंबर्स घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। खुद अमेरिकी सेना ने यह जानकारी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जहाज पर बारबाडोस का झंडा लगा हुआ था और इसका मालिकाना हक लाइबेरिया के पास है। हमले को लेकर अमेरिका के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा है कि चालक दल ने जहाज छोड़ दिया और सहयोगी युद्धपोतों ने प्रतिक्रिया दी है और स्थिति का आकलन कर रहे हैं। ये 5वां हमला है जब हुती ने 2 दिनों के भीतर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का कहना है कि जहाज पर हमले के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने हुती के नियंत्रण वाले इलाके में 2 ड्रोन से हमला किया है, जो मर्चेंट और अमेरिकी नौसैनिक जहाजों के लिए बड़ा खतरा थे। वहीं दूसरी तरफ हुती ने भी इस हमले की खुले तौर पर जिम्मेदारी ली है। हुती का कहना है कि यह हमला उसने किया है और आगे भी इस तरह के हमले करता रहेगा। आपको बता दें कि हुती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहा सारी ने बयान जारी करके इस हमले की जिम्मेदारी ली है। نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة ترو كونفيدنس الأمريكية في خليج عدن وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله ما أدى إلى نشوب الحريق فيها وقد جاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية. वहीं इस हमले को लेकर यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के सदस्य मोहम्मद अली अल हुती ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि यमन जानबूझकर नागरिकों पर हमले नहीं करता है। यमन सशस्त्र बल अमेरिका की गैर जिम्मेदाराना प्रतिक्रिया के जवाब में ये हमले कर रहा है। अमेरिका इजरायली जहाजों को बचाने के लिए समुद्र का सैन्यकरण कर रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक सूत्र के हवाले से कहा कि ऐसा लगता है कि घटना के मद्देनजर जहाज को लावारिस छोड़ दिया गया था। वहीं यूके की मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन एजेंसी को इस घटना की जानकारी मिली है, जिसमें बताया गया है कि ये हमला यमन के एडन शहर से 54 नॉटिकल माइल्स दूर दक्षिण पश्चिम में हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हुती कह रहा है कि उसने हमले से पहले क्रू मेंबर्स को चेतावनी दी थी, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, और उसके बाद ही हुती ने जहाज पर हमला किया है।